ठीक है, अब आप अपनी हाजिरी भेज सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मल्टी स्टेज सैंपलिंग। मल्टी स्टेज सैंपलिंग जो है उसमें क्या करते हैं, ए सैंपलिंग टेक्निक वेयर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ रैंडम सैंपलिंग आर यूज्ड, यानी कि मल्टी स्टेज सैंपलिंग में आप दो से ज़्यादा टेक्निक्स जो हैं, एक या एक से ज़्यादा टेक्निक्स जो कि जिनका कॉम्बिनेशन बना के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि या तो आप सिंपल रैंडम सैंपलिंग को स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, या स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग को क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, या एक दूसरी डेफिनेशन ऐसे भी की जा सकती है, इट इज ए सैंपलिंग प्रोसीजर टेक्निक वेयर इन द सैम्पलिंग इज कैरीड आउट इन सेवरल स्टेजेस सच दैट द सैम्पल साइज इज रिड्यूस्ड एज एट ईच स्टेज, यानी कि वो कहता है ये एक प्रोबेबिलिटी ये सैम्पलिंग टेक्निक होती है, इसके अंदर हम जो अपना सैम्पल है या सैम्पलिंग जो है वो तो मुख्तलिफ स्टेजेस के अंदर हम कंप्लीट करते हैं, और मकसद क्या होता है कि आपका सैम्पल साइज जो है वो हर स्टेज पे छोटा हो जाए। ठीक है जी, अच्छा एग्जाम्पल भी नीचे एक दी हुई है, इस एग्जाम्पल को अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी कर दूंगा। सपोज दैट ए फार्मर इज इंटरेस्टेड इन द हेल्थ ऑफ ट्रीज इन हिज ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड बाग को भी कह सकते हैं, मतलब वो कहता है एक किसान है अपने बाग के अंदर जो उसके दरख्त हैं उनकी सेहत के बारे में फिक्रमंद है। हाँ, अब बाग उसके आमों का बाग भी हो सकता है, किसी चीज के और दरख्त जो माल्टों का बाग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ही स्ट्रेटिफाइज हिज ऑर्चर्ड बाय 8 ट्रीज बाय 8 ट्रीज के, वो कहता है आपने जो दरख्त अपना फार्म है उसके स्ट्राटा बना लेता है, 8 बाय 8 ट्रीज का स्ट्राटा बना लेता है। ठीक, ही देन क्लासीफाइज ईच रो ऑफ 8 ट्रीज एज क्लस्टर, फिर वो क्या करता है हर जो उसने क्लस्टर बनाया है, हाँ क्या वो उस दिन है ना आधे उसकी अटेंडेंस होती है। अच्छा अभी दो लेक्चर सपोज, अच्छा तो वो क्या करता है वो जो उसने बड़ा वाला एक स्टाटा बनाया है उसके अंदर 8 बाय 8 का उसका जो ग्रुप है उसके अंदर 8 रो का एक और क्लस्टर बना लेता है, यानी कि उसमें 8 रोज होंगी ना, हर रो को एक अलग क्लस्टर वो बना लेता है। ठीक, ये बात समझ आ गई, इसको मैं आगे भी सिलेक्ट कर समझाता हूँ। फिर वो क्या करता है, ही देन सिलेक्ट रैंडमली ईच रो फ्रॉम ईच स्टार्टम। अच्छा अब ये नीचे देखें, लेट्स सपोज जी उसका फार्म है, ये उसका फॉर्म है, ठीक है, तो अब क्या होगा, उसने पहले ये 8 बाय 8 का एक ग्रुप बना लिया, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है रेड लाइन में ये 8 ट्रीज इधर हैं और 8 ट्रीज इधर हैं। ठीक, अच्छा फिर उसने इस तरह से कंप्लीट करके उसके पास क्लस्टर्स बन गए, कितने बन गए, 9 क्लस्टर्स बन गए, बड़े क्लस्टर या क्लस्टर भी कहते हैं आप इनको। अब देखें हर क्लस्टर के अंदर एक रो ये है और इस तरह से कितनी है, ये टोटल मैं इसको आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दूँ। ठीक, हर क्लस्टर के अंदर 8 रोज है, ठीक, हर क्लस्टर के अंदर यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है और यहाँ भी मेंशन किया हुआ है। ठीक, अच्छा अब वो क्या करेगा, हर क्लस्टर में से एट द रैंडम एक रो सेलेक्ट कर लेगा, अब वो उसके लिए सिंपल रैंडम सैंपलिंग इस्तेमाल करेगा। ठीक, अच्छा ये बात समझ में आ गया, अब इसके मेन पॉइंट्स देख लेते हैं हम, तो मेन पॉइंट्स को हम नंबर देते हैं। मेन पॉइंट्स क्या है, पॉपुलेशन जब बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है, तब हम
मल्टी स्टेज सैंपलिंग इस्तेमाल करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि सैंपलिंग बहुत बड़ी होती है, ठीक। सैंपलिंग यूनिट्स एट ईच स्टेज आर डिफरेंट इन साइज। सैंपलिंग यूनिट्स जो होते हैं हर स्टेज पे उनका जो साइज जो होता है वो चेंज होता है, डिफरेंट होता है। नंबर तीन, ए कम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर और सैंपल रैंडम सैंपलिंग कैन बी यूज्ड। ये किस बच्चे का माइक्रोफोन ऑन है? हाँ जी, माइक्रोफोन ऑफ करके बैठे। एक और एग्जांपल भी यहाँ पे दी गई है, इसको भी देख लेते हैं जरा। लेट्स द इन्वेस्टिगेटर इज इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द सब्जेक्ट। पाकिस्तान स्कूल स्टूडेंट्स प्रेफर, यानी पाकिस्तान के अंदर जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनको जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उनमें से कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसको वो प्रेफर करते हैं, यानी कि जिनको वो जिसको पढ़ने में खुशी महसूस करते हैं। सो द पॉपुलेशन विल बी ऑल द स्कूल्स इन द पाकिस्तान, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल भी उसमें आ जाएंगे, प्राइवेट स्कूल भी आ जाएंगे। सो इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू सर्वे ऑल द स्कूल इन पाकिस्तान। सो तो अब हम क्या करेंगे, वी डिवाइड आवर पॉपुलेशन इनटू डिफरेंट स्टेजेस। हम अपने पॉपुलेशन जो है उनको डिफरेंट स्टेजेस में तोड़ देंगे। यहाँ पे नीचे में स्टेप बाय स्टेप मैंने किया हुआ है, इसको हम देख लेते हैं। पहले स्टेज पे हम क्या करेंगे, वही डिवाइड डिवाइड पाकिस्तान इनटू प्रोविंसेस, जैसे कि चार प्रोविंसेस हैं पंजाब, केपी के, सिंध एंड बलोचिस्तान। दूसरी स्टेज में हम क्या करेंगे, हम हर प्रोविंस को डिवीजन में तकसीम कर देंगे। तीसरी स्टेज में हम क्या करेंगे, हर डिवीजन को डिस्ट्रिक्ट में तोड़ देंगे। चौथी स्टेज में हम क्या करेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट को सिटीज में तोड़ देंगे और उसके बाद हर सिटी को टाउन में भी हम तोड़ सकते हैं। ओके, सब बच्चे अपनी अपनी हाजिरी जो है वो दे दें, मैसेज करके अपना नाम और रोल नंबर जो है वो सेंड कर दें। अच्छा नोट, मल्टी स्टेज सैंपलिंग इज मोर कॉम्प्लेक्स देन क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग से ज्यादा मुश्किल होती है क्या आपकी मल्टी स्टेज सैंपलिंग। मल्टी स्टेज सैंपलिंग में क्या होता है, जैसे जैसे आपका सैंपलिंग यूनिट जो है वो छोटा होता है और उसके साथ साथ लेकिन आपका जो, अब इस स्टेज पे अगर आप देखें, इस स्टेज पे पहले स्टेज पे आपका सैंपलिंग यूनिट क्या है, पूरा का पूरा सूबा है, ठीक। लेकिन सेकंड स्टेज में आपका सैंपलिंग यूनिट डिवीजन बन गए। अच्छा थर्ड स्टेज पे आपके सैंपलिंग यूनिट जो है वो डिस्ट्रिक्ट बन गए। फोर्थ स्टेज पे आपके सैंपलिंग यूनिट जो है वो सिटीज बन गए। अब फिफ्थ स्टेज पे आपके सैंपलिंग यूनिट जो है वो टाउन बन गए। तो इसको हम फाइव स्टेज मल्टी सैंपलिंग भी कह सकते हैं, जो कि सैंपलिंग प्लान मैंने डिस्कस किया है, ठीक। अच्छा एडवांटेजेस देख लेते हैं। नंबर एक, कॉस्ट एंड स्पीड दैट द सैंपल दैट द सर्वे कैन बी डन लेस। तो जब हम मल्टी स्टेज सैंपलिंग करते हैं उससे हमें दो फायदे होते हैं, हमारी कॉस्ट भी मिनिमाइज हो जाती है और हमारे काम करने की एफिशिएंसी जो है यानी कि स्पीड जो है वो भी बढ़ जाती है। सेकंड, कन्वीनियंस ऑफ फाइंडिंग द सर्वे सैंपल। अच्छा इसमें हम सैंपल सिलेक्ट करने में या सैंपल यूनिट्स को फाइंड आउट करने में हमें ज़्यादा दिक्कत या मुश्किल नहीं होती, ठीक, क्योंकि सारा कुछ हमारे सामने होता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में जाना है, कौन से सिटी में जाना है, कौन से टाउन में जाना है या कौन सी स्ट्रीट में जाना है। तो नॉर्मली मोर एक्यूरेट देन क्लस्टर सैंपलिंग, यानी कि आपकी जो मल्टी स्टेज सैंपलिंग होते हैं उसके रिजल्ट्स जो होते हैं वो क्लस्टर सैंपलिंग के रिजल्ट से ज़्यादा अच्छे और एक्यूरेट होते हैं। अच्छा इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि जब भी कोई नई चीज़ आती है उसके कुछ खुशियात होते हैं और उसकी कुछ खामियां भी होती हैं। अच्छा नॉट एज एक्यूरेट एज सिंपल रैंडम सैंपलिंग इफ द सैंपल साइज इज सेम। कहते हैं अगर सैंपल साइज सेम है तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग के अच्छे रिजल्ट होंगे।
ठीक। लेकिन सिंपल रैंडम सैंपलिंग का नुकसान क्या हो सकता है? सिंपल रैंडम सैंपलिंग का नुकसान ये होता है, आप एट द रैंडम सिलेक्ट करेंगे, और आप जब एट द रैंडम सिलेक्ट करेंगे वो आप कहीं से भी सिलेक्ट, पाकिस्तान के कहीं से कोने से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है एक सैंपलिंग यूनिट आपका पंजाब से हो और दूसरा सैंपलिंग यूनिट आपका केपीके से हो, तो अब आप एक सैंपलिंग यूनिट के लिए इतना ज़्यादा सफ़र करेंगे तो ये कॉस्टली हो जाएगा। तो इस तरह से फिजिबल नहीं है, लेकिन दूसरी तरह से, क्योंकि सिंपल रैंडम सैंपलिंग में आप क्लस्टर तो नहीं बनाते ना। अच्छा, दूसरी बात, मोर टेस्टिंग इज डिफिकल्ट टू डू, यानी कि इसके ऊपर आप मजीद स्टेटिस्टिकल एनालिसिस आप कहते हैं नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो वो मुश्किल से आपको आएगी। ओके, ये आज का आपका छोटा सा टॉपिक था जी। अच्छा, आपकी हाजिरी सबकी आ गई है। अगर आप बच्चों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो YouTube पे इसको लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दूसरों को भी बताएं, बाकी स्टूडेंट्स को। ठीक।